हाय गाइस, दिस इज़ मिस्टर एग्जियर एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ GTA 5 के बारे में, जो अवेलेबल हो गया है फ्री में एपिक गेम स्टोर पर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा एपिक गेम्स, एंड एपिक गेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एपिक गेम्स का लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा या उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे कि स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं 42 MB का एपिक गेम्स लॉन्चर का इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है। आफ्टर डाउनलोडिंग इसके ऊपर आपको डायरेक्टली बस क्लिक करना है एंड लॉन्चर का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलिंग इट एपिक गेम्स का लॉन्चर कुछ ऐसे आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सो यू कैन लॉग इन विया फेसबुक, गूगल प्ले स्टेशन अकाउंट, एक्सबॉक्स अकाउंट और इवन निंटेंडो अकाउंट, या फिर आप एपिक गेम्स का अलग से एक अपना यूज़र नेम और ईमेल अलग से इसमें लॉगिन कर सकते हैं बना के। सो मैं तो गूगल से करूँगा तो मैं गूगल पे क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन गूगल आपके पास आपके ब्राउज़र खुल जाएगा एंड ये साइन इन विद गूगल की साइट आ जाएगी, जिसमें अगर आपने ऑलरेडी आप जिस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप नया अकाउंट से अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट से लॉगिन करना चाहूँगा तो ये ऐसे लोड होगा एंड ये स्क्रीन आ जाएगी ऑलमोस्ट डन। सो इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई होगा एंड सक्सेस। इसके बाद आपको वापस से अपना एपिक गेम्स लॉन्चर खोलना है। ओके, सो गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपके एपिक गेम्स लॉन्चर में ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आपको अपने कंट्री नेम एंड यहाँ पे डिस्प्ले नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मिस्टर एक्जी अंडरस्कोर YT डाला है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पे YT हटा दूँ तो ये ऑलरेडी टेकन आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दूसरे अकाउंट से मिस्टर एक्जी मेरा यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करके YT डाल रहा हूँ। ओके, एंड फिर टर्म्स ऑफ सर्विस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एक OTP मांगेगा, जो आपका ईमेल पे आया होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं एक बार ईमेल पे चेक करके OTP डाल देता हूँ। ओके, सो मैंने अपने ईमेल से OTP नोट डाउन कर लिया है एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पर फिर उसके बाद टाइप करके वेरीफाई ईमेल, देन ये लोड होगा। ओके गाइस, सो लॉगिन होने के बाद एपिक गेम्स लॉन्चर आपका कुछ ऐसे स्क्रीन आएगी एंड यहाँ पे आपको स्टोर में जाके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 प्रीमियम एडिशन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन दिस गेम कंटेन्स मैच्योर कंटेंट, रिकमेंडेड ओनली फॉर एजेस 18+। तो इफ़ यू आर 18+ देन ओनली ये यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे करके जैसे दिखा रहा है $24.99 एक्चुअली ये है पर अभी फ्री में मिल रहा है। तो देन यहाँ पे आपको गेट पे क्लिक करना है एंड लोड होगा। उसके बाद ऑल्सो मैं बता देता हूँ गाइज, ये गेम आपका सिर्फ 21 मई तक अवेलेबल है 8:30 PM। तो उससे पहले पहले आप लोग सब कुछ करके लॉग इन करके इस गेम को अवेल कर लीजिएगा, उसके बाद वरना 21 मई के बाद आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे इनेबल 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद आपका ब्राउज़र वापस से खुल जाएगा। सो अभी चलते हैं मेरे ब्राउज़र पर। ओके, सो ब्राउज़र खुलने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑथेंटिकेटर ऐप, SMS ऑथेंटिकेशन एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको कोड मिलेगा एंड वो आपको हर टाइम फिल करना पड़ेगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। SMS ऑथेंटिकेशन में अगर आपका मोबाइल नंबर आपके गूगल अकाउंट से लिंक्ड है तो आपके पास SMS OTP आएगा एंड उससे आपको OTP टाइप करना पड़ेगा। एंड ईमेल ऑथेंटिकेशन में आपके पास ईमेल में OTP आएगा। सो मैं इनेबल ईमेल ऑथेंटिकेशन करूँगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा एंटर सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पे मैं अभी सिक्योरिटी कोड डाल दूँगा, मैं अभी ईमेल में चेक कर लेता हूँ क्या आया है।
सो मैंने चेक कर लिया है एंड दिस इज़ माई OTP एंड यहाँ पे टाइप करके मैं वापस कंटिन्यू करूँगा। ईमेल ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड, इसके बाद आपको डन करना है एंड वापस से आपको अपने एपिक गेम्स लॉन्चर के लॉन्चर पे जाना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वापस से लॉन्चर पर आकर यहाँ पे गेट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे लोडिंग योर ऑर्डर की स्क्रीन आ जाएगी। सो ये स्क्रीन आपकी आ गई है जहाँ पे आप अगर नॉर्मली कोई गेम परचेज करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी एंड प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट माइनस हो चुका है प्राइस एंड गेम फ्री का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पर प्लेस ऑर्डर करना है एंड यहाँ पे एन ईमेल रिसिप्ट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आप ये गेम ओन कर चुके हैं। सो अब लाइब्रेरी में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका GTA 5 आप मतलब जैसे परचेज़ कर चुके हैं एक तरह से एंड आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे अभी डाउनलोड करें या एक महीने बाद करें, 5 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गेम आपका कम्प्लीटली हो चुका है, बस आपको अपने एपिक गेम्स में लॉग इन करना है एंड यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे GTA 5 को इंस्टॉल कैसे करना है। सो लाइब्रेरी में आके आपको GTA 5 पर क्लिक करना है, देन ये स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ पे इंस्टॉल लोकेशन चूज़ करना है। सो आप जिस ड्राइव में भी अपना गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ड्राइव आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस ड्राइव में आपका स्पेस अवेलेबल है वो चूज़ कर सकते हैं। मेरा सी ड्राइव में अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरा ड्राइव चूज़ करूँगा। मैंने डी ड्राइव चूज़ किया है। ओके, यहाँ पे ऑटो अपडेट पे आप क्लिक करके रखिए एंड क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करके रखिए। ये आपका शॉर्टकट क्रिएट कर देगा स्टार्ट स्क्रीन एंड डेस्कटॉप पर। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉलिंग। एंड डाउनलोड्स में फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है, ड्यू टू हाई डिमांड बैंडविड्थ इन सम रीजन्स मे बी टेम्परली लिमिटेड। सो मे बी आपका डाउनलोड मे बी यूजुअल स्पीड से लो स्पीड पे हो रहा हो डाउनलोड, सो डोंट वरी एंड आपका गेम इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। सो मेरा गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करके आप अपना गेम रन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल रही हो। डू मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो आपको फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।